नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां स्थानीय तहसील बार एसोसिएशन मार्टिनगंज के सदस्यों के आह्वान पर, जहां एक तरफ मार्टिनगंज तहसील के प्रांगण में अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं है और वहीं तीन सीट के में अधिवक्ता व वाधिकारी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं पर बरसात में पानी तहसील परिसर में भर जाता है, उसी को लेकर काफ़ी दिनों से मांग चल रही है कि यहाँ पर एक बड़ा अधिवक्ता भवन बने जिससे अधिवक्ता व अधिकारी को छाया मिल सके। उसी के तहत लालगंज लोकसभा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने अधिवक्ताओं के आह्वान पर तहसील में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दरोगा प्रसाद सरोज ने मार्टिनगंज तहसील परिसर को अधिवक्ता भवन के 10 लाख रुपये से अधिवक्ता भवन देने की घोषणा की। वहीं पर लाइब्रेरी के लिए 50,000 रुपये अलग से व्यवस्था करने की बात कही। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने भी अधिवक्ताओं की समस्या पर सांसद का ध्यान आकृष्ट कराया। तत्पश्चात सांसद ने उक्त बातों की घोषणा की, जिसमें यह भी कहा गया कि यह पहले ही किस्त में पूरा कार्य हो जाएगा। वहीं पर सोलर पैनल, लाइट व पंखे भी लगवाने की सांसद ने कहा कि अब अधिवक्ताओं व अधिकारियों को परेशानी नहीं होगी। सांसद ने क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की और अपनी जीत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष राय ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलवार संगठन मार्टिनगंज के अध्यक्ष राम प्रताप यादव ने किया। वहीं पर मंत्री चंद्रभान आजाद, पूर्व अध्यक्ष राम अजूर यादव, कोषाध्यक्ष आलोक यादव, सहमंत्री माता यादव, पूर्व मंत्री उमेश यादव, प्रेमचंद अमरनाथ यादव, सतीश कुमार यादव, भोलेन्द्र यादव, कार्तिकेय राय, मोहम्मद राशिद, संदीप यादव सहित तहसील के समस्त अधिवक्ता व अधिकारी भी मौजूद रहे।